आज शाम होते होते एक बेहद ही दुखद समाचार मिला। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का आज 84 साल की उम्र में देहांत हो गया। आज उनके जाने से पूरा देश दुखी है। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले के किरनार शहर के गांव मिराती में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कोलकाता विश्वविद्यालय से ही इतिहास और राजनीतिक विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन करी और उसी के साथ साथ लॉ की डिग्री भी हासिल करी। उनका संसदीय करियर 1967 में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य के रूप में शुरू हुआ और फिर 1975, 1981, 1983 और 1999 में फिर से चुने गए। सन 84 से 84 तक कई कैबिनेट पदों के लिए चुने जाते रहे, परंतु 1984 में भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। 84 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वह सत्येंद्र का शिकार हुए और राजीव गांधी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। लेकिन 1989 में राजीव गांधी के साथ प्रणब दा समझौता हुआ और वह पार्टी में वापस आ गए। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में भी वह मंत्री रहे और जब 2004 में कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ तो पहली बार लोकसभा से संसद चुने गए और उन्हें सदन का नेता बनाया गया। प्रणब मुखर्जी को रक्षा, वित्त, विदेश विषयक मंत्रालय, राजस्व, नौवहन, परिवहन, संचार, आर्थिक मामले, वाणिज्य और उद्योग समेत विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्री होने का गौरव भी हासिल है। सन 2008 के दौरान सार्वजनिक मामलों में उनके योगदान के लिए भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से नवाजा गया। पच्चीस जुलाई 2012 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला और 25 जुलाई 2017 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कई विशेष बिलों को पारित किया और आतंकवाद कसाब को फांसी की सजा स्थापित कर लोगों को न्याय प्रदान किया। राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद वे एक प्रकार राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर जाने गए और प्रणब मुखर्जी को 26 जनवरी 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रणब मुखर्जी को दिल्ली छावनी स्थित अस्पताल में गत 10 अगस्त को भर्ती कराया गया था और उसी दिन उनके मस्तिष्क में जमे खून के थक्के को हटाने के लिए उनकी सर्जरी की गई थी और आज 31 अगस्त 2020 को प्रणब दा आर्मी हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। तो द होल टीम ऑफ ओवर एंड आउट ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स वॉलंटियर joins country in paying homage to Pranab Mukherjee. Our deepest condolence with his family, friends and nation. Jai Hind.